नमस्कार, न्यूज बुलेटिन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पहली खबर एटा से। एटा में 15 साल से 18 साल के बच्चों को कोरोना का टीका लगाए जाने का अभियान शुरू हो चुका है। सरस्वती विद्या मंदिर में पहला वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जहां सरस्वती विद्या मंदिर में 300 बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं बच्चों के बीच वैक्सीनेशन को लेकर काफी उत्साह देखा गया। बच्चों ने पीएम मोदी सीएम योगी को धन्यवाद कहा है। तो एटा के सरस्वती बाल विद्या मंदिर की तस्वीरें, जहां पर आज 15 से 18 साल के बच्चों के बीच कोरोना का टीका लगाया गया। इस वक्त मैं मौजूद हूं एटा के जाने माने स्कूल में, सरस्वती विद्या मंदिर में। मैं अपने पीछे एक बोर्ड दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। साफ तौर से प्रदेश सरकार द्वारा आज 15 से 18 आयु को कोविड वैक्सीनेशन को लेकर एक अभियान चलाया जा रहा है, और उसके तहत स्कूल के अंदर कैंप लगाया गया है। मैं सरस्वती विद्या मंदिर में मौजूद हूँ। तस्वीरें मैं अपने कैमरामैन से दिखाने की कोशिश करूँगा। दिखाने की कोशिश करें वैक्सीनेशन को लेकर लोग कैसे आगे बढ़े हैं। एक अफवाह चली थी वैक्सीनेशन को लेकर, लगता है वो अफवाह ही रही, जो रूमर थी रूमर की तरीके से रही। मैं बात करने की कोशिश करूँगा अंदर चल लेकर, यहाँ वैक्सीनेशन को लेकर लोग बैठे हैं। क्या नाम है आपका? संजना राघव। आप वैक्सीनेशन के लिए आए हैं? यस। क्या लगता है कि लोगों के अंदर डर था वैक्सीनेशन को लेकर, वो अफवाह थी या सस्ता? सस्ता। मैं पहले एक पेशेंट की तरह से बात करूँ, ये कहते हैं डर है वैक्सीनेशन को लेकर, डर है। मैं अंदर बात करने की कोशिश करूँगा, कैमरामैन से कहूँगा अंदर आने की कोशिश करें। जिस तरीके देख सकते हैं वैक्सीनेशन लगातार चल रहा है, और मैं बात करने की कोशिश भी करूँगा यहाँ से लोगों से, कितना लगभग आज वैक्सीनेशन को लेकर रिपोर्ट कार्ड तैयार किए जाएंगे। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश अनुसार प्रदेश के सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा निर्देश दिए गए थे। मैं कुछ बात करने की कोशिश करूँगा मैम से। बात मैम, क्या सर? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है बच्चों का, और बच्चे काफ़ी खुश होके इसको एंजॉय कर रहे हैं एक तरह से, और काफ़ी बच्चों को लग चुकी है। अभी तक कोई ऐसा साइड इफेक्ट या कुछ भी नहीं मालूम पड़ा है। हल्का फुल्का दर्द है लाइट, वो सब बच्चे से। तो लोगों को मानना था एक डर था वैक्सीनेशन को लेके, लोगों की तबीयत खराब होती है, मृत्यु हो जाती है, ऐसा कुछ अफवाह थी या कुछ? क्या नहीं सर, इट्स र्यूमर रहता है बॉडी पर, थोड़ा बहुत पेन, लाइट पेन है, फीवर हल्का सा। अभी तक तो बच्चों को कोई फीवर ऐसा नहीं है, बट टैबलेट दी हुई है, अगर ऐसी फील होता है तो दे विल टेक। अच्छा, आज लगभग कितने वैक्सीनेशन को एक्टिवेशन किया जाएगा यहाँ पर? आज हमारे यहाँ 12th क्लास को लिया जा रहा है, तो अभी तक आई थिंक 50 स्टूडेंट्स हो चुके हैं। माना जाता है कि लगातार आज पहला दिन है वैक्सीनेशन को लेकर, तो लोग आगे आ रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की ये जो एक महत्वपूर्ण योजना है, उसके लिए लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हम 2022 में क्या लगता है मुख्यमंत्री को लेकर, प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हो सकते हैं? आई थिंक आदित्य योगीनाथ, आई विल सपोर्ट हिम बिकॉज देर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स वी विल फेस इफ एनीबडी एल्स। लगता है लोगों को कहीं ना कहीं विपक्ष पार्टी जो है, अखिलेश यादव हैं, मायावती हैं, तमाम कांग्रेस पार्टियां दल उतरे हुए हैं, वैक्सीनेशन को एक अफवाह बता रहे हैं, लोगों को जागरूक होने से रोक रहे हैं। क्या कुछ सच है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कोई अफवाह नहीं है। इस बच्चों के लिए जो आज स्टार्ट हुआ है ये बहुत अच्छा है। अभी तक एडल्ट्स के लिए था, बच्चों के लिए स्टार्ट हुआ है। बच्चे भी फेस कर रहे थे प्रॉब्लम्स को, अब वो हम लोग सिक्योर हो जाएंगे, बच्चे भी सिक्योर रहेंगे। वहीं ग्रेटर नोएडा की दादरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। फाइनेंस कंपनी के सेल्समैन से हथियार के बल पर हुई लूट का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए शातिर लुटेरों से पुलिस ने लूट के 1,00,000 रुपए में से 70,000 रुपए की नकदी समेत घटना में प्रयुक्त बाइक, तमंचा और लूट के दस्तावेज बरामद कर लिए हैं। लूट की योजना बनाने वाला मास्टरमाइंड अभी भी फरार बताया जा रहा है। दादरी पुलिस की गिरफ्त में ये 3 शातिर लुटेरे जो आपको भी दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है दिव्यांशु, वंश और राहुल जाटव, जो कि जारचा थाना क्षेत्र के गुलावठी, खुर्द और धनुवास गांव के रहने वाले हैं। इन तीनों की तस्वीरें ये जो आपकी टीवी स्क्रीन पर अभी दिख रहे हैं, इन तीनों ने फाइनेंस कंपनी के सेल्समैन को लूटने की योजना बनाई, और तीनों ने लूट की घटना को दिन दहाड़े तमंचे के बल पर अंजाम दे डाला। तीनों ने हथियार के बल पर फाइनेंस कंपनी के 2 सेल्समैन से 1,00,000 रुपए और उसका टेबलेट, मोबाइल और अन्य दस्तावेज लूट कर ये लोग फरार हो गए। पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की थी। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे और सर्विलांस की मदद से आरोपियों को घटनास्थल से कुछ ही दूर पर पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपी लूट की घटना को अंजाम देकर छुपाए गए लूट के पैसे और सामान को लेने आए थे, जिनको पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त बाइक, तमंचा, लूट के 1,00,000 में से 70,000 रुपए की नकदी सब बरामद कर लिया है।
कलेक्शन एजेंट से लूट का मामला है, जिसको लेकर पुलिस ने आज 3 छात्र लुटेरों को गिरफ्तार किया है। हालांकि मास्टरमाइंड फिलहाल फरार बताया जा रहा है। तो तीनों तस्वीरें आप देख सकते हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लूट की घटना को इन्होंने अंजाम दिया था। 1,00,000 रुपए की लूट की थी, जिसमें से 70,000 रुपए पुलिस ने नकद बरामद भी कर लिए हैं। साथ ही साथ लूट में जिन जिन चीजों का इस्तेमाल हुआ था उनको भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पूरी लूट का खुलासा महज 24 घंटे में कर दिया गया। 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए, वहीं 1 अभी भी फरार बताया जा रहा है, जो कि मास्टरमाइंड था। थाना दादरी अंतर्गत कल एक सत्या माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के 2 कर्मचारियों के साथ जब वो 2 गांव से अपनी कलेक्शन करके लौट रहे थे, उस दौरान एक बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने उनके साथ लूट कारित की थी, जिसमें लगभग 1,00,000 रुपए लूट में गए थे। तत्काल मौके का मुआयना किया गया, इसमें 2 टीमें गठित की गई। त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे से कम समय में भी तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पास के ही गांव के, जिस गांव में वो मीटिंग के लिए गए थे उसी गांव के रहने वाले हैं। इनके पास से लूटे हुए 70,000 रुपये, तमंचा, चाकू, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, जो उनका बैग गया था उसका बैग, आईपैड, कुछ पर्चियां उसी कंपनी की, ये सब चीज़ें बरामद हुई हैं। इनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। इसमें एक अभियुक्त जो कि इसमें सूचना देने का काम कर रहा था वो भी फरार चल रहा है, उसके लिए भी टीम लगातार दबिश दे रही है, उसको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। इन के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर करीब 3 बजे सहारनपुर के देवबंद पहुंचे। यहां उन्होंने एटीएस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास किया और छात्र और छात्राओं को टैबलेट व मोबाइल फोन वितरित किए और फायर स्टेशन का भी लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया और कहा कि अब उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होता है, क्योंकि दंगाइयों को पता है कि अगर दंगा किया तो उनकी 7 पीढ़ियां उसकी भरपाई करते करते थक जाएंगी। अभी तक तो गिरगिट को ही यह उपलब्धि हासिल थी कि समय के हिसाब से वह रंग बदलता था, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के लोगों को देखकर उसे भी शर्मा रही होगी। इसके साथ ही सपा को घेरते हुए उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में आतंकी हमले होते थे, कभी राम जन्मभूमि पर, कभी कचहरी पर, ये आतंकवादी गिरगिट की तरह रंग बदलते थे। उसी तरह आज समाजवादी पार्टी के बबुआ बोल रहे हैं कि अगर वह होते तो कब का राम मंदिर का निर्माण करा देते। गोंडा जेल में निरुद्ध कैदी की मौत का मामला सामने आया है, जहां जिला अस्पताल में इलाज के दौरान कैदी की मौत हुई है। बता दें कि हत्या के मामले में जेल में निरुद्ध था यह कैदी, जिसकी आज मौत हो गई है। वहीं जेल प्रशासन के मुताबिक टीबी की बीमारी से ग्रसित था यह कैदी। वहीं दूसरी तरफ परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर शहर कोतवाली क्षेत्र के स्टेशन रोड पर जाम लगा दिया और जमकर नारेबाजी की। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, गोंडा की तस्वीरें हैं, जहां पर जेल में निरुद्ध एक कैदी की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने आरोप लगाया कि उसकी हत्या की गई है। इसको लेकर परिजनों ने रोड पर जाम लगा दिया। वहीं जेल प्रशासन का कहना है कि टीबी से ग्रसित था, टीबी की बीमारी से ग्रसित बताया जा रहा था मरीज, जिसकी टीबी की बीमारी के चलते ही मौत हुई है। लेकिन इसके बावजूद परिजनों ने हंगामा करते हुए रोड पर जाम लगा दिया, जिसकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। बसपा शासनकाल में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव को नजरबंदी से मुक्त कराने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर आत्मदाह करने वाले हीरो गांधी की पुण्यतिथि पर परिवार एक बार फिर गमगीन हो गया है। रूंधे गले से भाई ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से पुण्यतिथि पर अपने हाथों से 2 फूल चढ़ाने की ख्वाहिश जारी की है। आपको बता दें कि 2008 में बसपा शासनकाल में मुलायम सिंह यादव को नजरबंद कर दिया गया था। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह आंदोलित हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर हीरो गांधी पहुंचे थे, जहां पर सपा यूथ ब्रिगेड की तरफ से व्यापक प्रदर्शन चल रहा था। बसपा सरकार पर दबाव बनाने और अपने मुखिया व राजनीतिक गुरु मुलायम सिंह यादव को नजरबंदी से मुक्त कराने के लिए हीरो गांधी ने खुद को आग लगा ली।
जब तक कार्यकर्ता कुछ समझ पाते हीरो गांधी उस वक्त 90% जल चुके थे। दो दिन बाद अस्पताल में उनकी मौत हो गई। 17 जनवरी को सुल्तानपुर जिले के जयसिंहपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत हीरो गांधी के पैतृक आवास पर सफाइयों का मेला लगता है। इस बार भी पीड़ित परिवार की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन परिवार की एक ख्वाहिश है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक बार अपने हाथों से दो फूल चढ़ा दें तो बेटे का बलिदान सार्थक हो जाएगा। हीरो गांधी के परिवार ने इच्छा जताई है कि अखिलेश यादव एक बार यहां आए और दो फूल अगर चढ़ा दें तो ये उनकी ख्वाहिश होगी और साथ ही साथ उनके बेटे का बलिदान सफल हो जाएगा। ये तस्वीर हीरो गांधी की, जिन्होंने खुद को आग लगा ली थी अपने मुखिया मुलायम सिंह यादव को छुड़वाने के लिए। 2008 में बसपा सरकार में आंदोलन चल रहा था। माननीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी को, आदरणीय अखिलेश यादव जी को नज़रबंद कर दिया गया था। उसमें मेरे भाई रणविजय सिंह यादव हीरो ने उनके नज़रबंद किए जाने पर उनको छोड़ा नहीं जा रहा था। उन्होंने अपने आप को आग के हवाले कर दिया और 90% सुलझ गए थे। उनकी इस आंदोलन में जान चली गई। सपा में क्या, किस पद पर हैं आप, क्या सक्रिय राजनीति में? मैं मुलायम सिंह युद्ध ब्रिगेड में मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हूँ और मैं पार्टी की लगातार जो भी जिले से लेकर प्रदेश में जितने भी आंदोलन होते हैं मैं बढ़ चढ़ के हमेशा पार्टी के हित में काम करने का। अगली खबर अमेठी से है, जहां भारतीय किसान यूनियन भानु गुट ने गौरीगंज जिला अस्पताल में व्यापक भ्रष्टाचार को लेकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए व्यवस्थाओं में सुधार लाने की मांग की है। इसके साथ ही प्रभारी सीएमएस डॉक्टर एस गोयल से मांग करते हुए भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के किसानों ने कहा कि जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों द्वारा लगातार बाहर से हजारों की दवाइयां लिखी जाती हैं। इसके साथ ही अस्पताल परिसर में ओपीडी के दौरान विभिन्न दवा कंपनियों के एमआर द्वारा डॉक्टरों के पास बैठकर डॉक्टरों को अपनी कंपनी की दवा लिखने के लिए बाध्य करते हैं। साथ ही अस्पताल परिसर के आसपास पैथोलॉजी संचालकों द्वारा अस्पताल पहुंचकर सिंपल का इंजेक्शन कलेक्शन करते हैं, जबकि जिला चिकित्सालय में जांच कराने के बजाय अधिकतर जांच बाहर से लिखी जाती है। दिव्यांग प्रमाण पत्र के लिए कैंप आयोजन में दिव्यांगों की बैठने की उचित व्यवस्था नहीं की गई है। परिजनों के वाहन सुरक्षित रखने के लिए स्टैंड बनवाए जाने की भी मांग की गई है। इसके साथ ही अर्बन सीएचसी चलाए जाने की भी मांग भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों के द्वारा किया गया है। अगर समस्त मांगे 15 दिन के अंदर नहीं दुरुस्त की जाती तो भारतीय किसान यूनियन भानु गुट द्वारा बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की भी चेतावनी दी गई है। अस्पताल, जिला अस्पताल में बहुत सी अनियमितताएं हैं, जिसके विषय में हम एक निवेदन स्वरूप मांग पत्र दिया है, जिसमें हमारी 11 सूत्रीय मांग है। मैं उन्हीं मांगों की तरफ सीएमएस साहब का ध्यान आकृष्ट किया कि उनके द्वारा यह आश्वासन मिला कि इसकी जांच कराई जाएगी। आज भारतीय राष्ट्रीय किसान यूनियन ने, भानु ने जो ये अस्पताल प्रशासन में हुई गड़बड़ी के खिलाफ जिला प्रशासन को ये ज्ञापन दिया है, मैं उसका पूर्णतया समर्थन करता हूं। और आज अस्पताल में गरीबों के साथ मैं प्राइवेट दुकानों से दवाइयां लिखी जाती हैं और वो मजबूर होते हैं डेढ़ डेढ़ दो दो हज़ार की दवाइयां खरीदने के लिए। कुछ मांग पत्र एक मिला है, उनकी कुछ मांगे हैं, उसकी हम जाँच कराएंगे, उसके बाद अगर कुछ कमी पाई जाती है तो उसकी कार्रवाई की जाएगी। वही आगरा में आईटी रेड का दायरा बढ़ गया है। ताजगंज के विभव नगर क्षेत्र स्थित सैगल गेस्ट हाउस पर भी इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की है। बता दें कि रूबी सहगल एक एक्सपोर्ट व्यवसायी हैं, जिनके घर यानी सहगल हाउस में सुबह 5 बजे से आईटी टीम की कार्रवाई चल रही है। तो आईटी रेड अब आगरा में इसका दायरा बढ़ता हुआ, सहगल हाउस में भी आईटी ने छापेमारी की है। सुबह 5 बजे से आईटी टीम कार्रवाई कर रही है।
केंद्र सरकार के शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर का कल बलरामपुर आगमन होगा। गैसड़ी विधानसभा क्षेत्र के सिंह मोहानी स्थित किसान इंटर कॉलेज में सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और वो यहां भाजपा के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मोर्चा सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। राज्य मंत्री कौशल किशोर तकरीबन 1 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। जिले के सभी विधायकों सहित भाजपा जिला अध्यक्ष व मोर्चों के अध्यक्षों को कार्यक्रम में सम्मिलित होने के निर्देश दिए गए हैं। तो केंद्रीय राज्य मंत्री का कल बलरामपुर दौरा है। तो जहां बलरामपुर में कल केंद्रीय राज्य मंत्री का दौरा है, तो वहीं पीलीभीत में कल सांसद वरुण गांधी का 2 दिवसीय दौरा होना है। वो यहां अमरिया व पूरनपुर क्षेत्र के दर्जनों ग्रामों का भ्रमण कर जनसमस्याएं सुनेंगे और ओमिक्रॉन महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। वरुण गांधी कल शाम 5 बजे नगर के शिव शक्ति लॉन में प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इसके साथ ही वो 5 जनवरी को सुबह 9 बजे मरौरी ब्लॉक के ग्राम ललपुरिया साहब जाएंगे, जहां वह एक हर्बल पार्क व जिम का उद्घाटन करेंगे और फिर देर शाम दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं बांदा जनपद में आज कांग्रेसियों के द्वारा 8 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि उत्तर प्रदेश में सहारा और पल्स कंपनियों ने करोड़ों लोगों का पैसा आरडी एफडी व अन्य योजनाओं में भारी मुनाफे का लालच देकर जमा कराया। गरीब व सामान्य वर्ग के लोगों ने अपने बेहतर भविष्य व बेटियों की शादी आदि के लिए अपनी मोटी कमाई सहारा में जमा कराई, जो निश्चित म्याद पूरी होने के बाद भी सालों से उन्हें नहीं मिल पा रही है। प्रदेश का कोई ऐसा जिला या क्षेत्र अछूता नहीं है जहां गरीब और सामान्य वर्ग के लोगों का पैसा सहारा में ना फंसा हो। निवेशक पिछले 4-5 साल से लगातार इन कंपनियों के चक्कर लगा रहे हैं। सहारा की शाखाओं में जाने पर वहां मौजूद लोग पैसा मिल जाएगा कहकर इसे टाल देते हैं। पिछली सरकारों ने उन लोगों की कोई सुध नहीं ली जिनके सहारा व इन कंपनियों में पैसे फंसे हुए हैं, जो उन्हें उनकी जरूरत के समय तो नहीं मिल पाए और जिनके अभी मिलने की कोई संभावना भी नहीं दिख रही है। ऐसे में सहारा इस कंपनी के लगभग 12 लाख कर्मचारियों का पैसा अब तक फंसा हुआ है, परंतु सरकार के पास ऐसा कोई डेटा तक नहीं है जिससे यह पता चल सके कि प्रदेश में कितने लोगों का पैसा इन कंपनी में फंसा हुआ है। प्रदेश के लोगों के साथ किए गए इस लूट खसोट के सारे मामले बताते हुए कांग्रेसियों ने आज ज्ञापन सौंपा है। आज हम सभी के द्वारा जो कांग्रेस पार्टी के साथ में मिलकर के ये जो ज्ञापन दिया गया है, इसमें उन सभी मुद्दों को उठाया जा रहा है जिसमें लोगों ने चिटफंड कंपनियों में या PSEL हो या सहारा हो या बाकी और भी तरह तरह की कंपनियां हैं जिनको गवर्नमेंट ही लाइसेंस देती है, गवर्नमेंट ही काम करने का आदेश देती है और 30 साल 32 साल पूरे भारत में सारे ब्रांचें 293 इनकी ब्रांचें थी, 49,000 करोड़ का इनका मामला था और उससे कहीं ज़्यादा प्रॉपर्टी होने के बाद भी गवर्नमेंट ने जब 2014 में इसमें बैन लगाया 14 अगस्त 2014 में, तो आज तक सेबी के द्वारा इनका पैसा नहीं दिया गया है और जो भी हमारे एजेंट भाई हैं, जमाकर्ता वगैरह हैं, जो भी किसान भाई है, वो सारे लोग अपने ही पैसे के लिए गवर्नमेंट के बार बार चक्कर लगा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, सेबी कार्यालय जा रहे हैं। आज हमने जो ज्ञापन दिया है ये महामहिम राज्यपाल को प्रेषित है, जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भेजा जा रहा है, जिसमें सहारा बैंक और PCL ने गरीब किसानों का, मजदूरों का, रोज कमाने वालों का पैसा जो रोज जमा कराया और पिछले 7 साल पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश किया था उस आदेश को न मानते हुए पैसा वापस नहीं कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोगों ने आज ये ज्ञापन दिया है कि हम उन गरीबों का, उन किसानों का, उनका पैसा वापस कराया जाए। जो पूरे प्रदेश स्तर पे हमारा ये आंदोलन है, आज प्रदेश अध्यक्ष जी भी लखनऊ में इस पर ज्ञापन राज्यपाल जी को दे रहे हैं, हम लोगों ने भी यहाँ पर ज्ञापन राज्यपाल को भेजा। संत कबीर नगर में BJP महिला मोर्चा की जिला स्तरीय बैठक जिलाध्यक्ष नीरजा गुप्ता की अगुवाई में की गई, जिसमें BJP की तरफ से आधी आबादी को BJP से जोड़कर 2022 के विधानसभा चुनाव में फतेह हासिल करने पर रणनीति तैयार की गई। BJP सरकार में आधी आबादी को मिली सुविधाओं के सहारे BJP जीत हासिल करने में लगी है। संत कबीर नगर BJP महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष नीरजा गुप्ता और महिला मोर्चा के संत कबीर नगर प्रभारी अमर राय की माने तो केंद्र सरकार की योजनाएं आधी आबादी तक पहुंच चुकी हैं, जिससे 2022 में आधी आबादी 100% BJP के पक्ष में मतदान करेगी।
आयोगों का महिला सम्मेलन का कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम महिलाओं को इकट्ठा किया गया है कि वो मोदी जी और योगी जी की योजनाओं के बारे में जन जन तक पहुंचाएं और आगामी चुनाव के दृष्टिकोण से हम महिलाएं घर के हर एक कोने तक जाएं और महिलाओं को ये कहें कि मोदी जी ने और योगी जी ने आप लोगों को जो सुविधा दी है वो सुविधा हर महिला तक पहुँचे, हर घर तक पहुँचे। और इस बार हमको पूर्ण बहुमत के साथ योगी जी की सरकार को प्रदेश में लाना है। ये महिला भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा का जिले का सम्मेलन है। उस कार्यक्रम में पूरे जनपद के कोने कोने से जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग की कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनका एक सम्मेलन हो रहा है। उसी के निमित्त आज यहाँ सब लोग एकत्र हुए हैं। बस सरकार की योजनाओं के बारे में, जो सरकार की योजनाएं हमारी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं विशेषकर महिलाओं के लिए और सर्व समाज के लिए, जो हमारी योजनाएं पार्टी और योगी जी की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार ने शुरू किया है, उन्हीं योजनाओं के बारे में सबको जानकारी देना है। इस सम्मेलन के माध्यम से एक संदेश पहुंचाना है कि आधी आबादी भारतीय जनता पार्टी के साथ, महिलाओं का पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को भरपूर मिल रहा है। वहीं सीतापुर में नौ युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। संदना इलाके के केशुआमऊ इलाके में गन्ने के खेत में गला रेत कर यह हत्या की गई थी। वहीं गांव के ही तीन लोगों पर हत्या का आरोप लगा है। पुलिस फिलहाल हत्या के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। तो सीतापुर में एक शव मिला जिसका बताया जा रहा है कि गांव के ही तीन लोगों ने उसकी हत्या की है, ऐसा आरोप लगाया गया है। संदना इलाके के केशुआमऊ इलाके में गन्ने के खेत में यह शव मिला जहां पर तीन लोगों पर हत्या कर शव को यहां फेंकने का आरोप लगाया गया है। तो सीतापुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक शव मिलने से हड़कंप मिल गया। आपको बता दें कि यह शव नवयुवक का था जिसका शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें आपको कि सीतापुर का संदना इलाका ये बताया जा रहा है जहां के केशुआमऊ क्षेत्र की ये घटना है जिस गन्ने के खेत में ये शव मिला है। शव को बता दें आपको कि गला रेत कर इसकी हत्या की गई है। गाँव के तीन लोगों पर हत्या का आरोप लगा है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर अब जांच पड़ताल में जुट गई है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।